तो हेलो भाई लोगों, तो ख्याल चाल। सो गाइस, इधर हाल ही में एक काफी बढ़िया गेम लॉन्च हुआ है, इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2। जैसे यार काफी लोग कह रहे हैं कि हम इसे अपने मोबाइल फोन में कैसे खेल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब काफी लोगों की वीडियो वगैरह तुमने देखे होंगे जिसमें गेम का साइज को क्लिक 2.50 GB है, यानी कि 2.5 GB या फिर उससे भी ज्यादा। बट अगर वही गेम तुम्हें 250 MB के अंदर मिलेगा तो यार तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा? तो हाँ, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि तुम इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 को सिर्फ 250 MB के अंदर कैसे खेल सकते हो। बस फिर देरी किस बात की है, करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जाना है गूगल पे और सर्च करना है इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2, जिसपे तुम्हें काफी सारे वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगे। इस पे अगर तुम टैप करते हो तो अगर तुम्हें टोटली 2.5 GB का साइज दिखाया गया, जो कि यार तुमने बाकी वीडियो में भी देखा होगा राइट, बट ये पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि यार ये जो फाइल है सिर्फ पीसी के लिए ही अवेलेबल है, नॉट फॉर अदर प्लेटफॉर्म लाइक मोबाइल वगैरह। बाकी अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मैंने तो ऐसे कई यूट्यूबर को देखा है कि वो मोबाइल फोन में खेल के दिखा रहे। भाई मेरी बात सुन, वो यार तुम्हें पीसी से कनेक्ट करके मोबाइल फोन में दिखा रहे। जैसे कि यार तुम सभी को क्लाउड गेमिंग का तो पता रहेगा कि यार जो मोबाइल फोन है उसे यार तुम कंट्रोल कर सकते हो अपनी गेम को, और जो डिस्प्ले है वो पीसी में हो रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पीसी रहेगा तो ही तुम यार ये कर सकते हो, ऐसे अगले मोबाइल फोन से बात नहीं बनेगी। और ये चलो मैंने ऑफिशियली गूगल पे भी यार ये स्टेटमेंट देख लिया, जो ये एप्लीकेशन है इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2, ठीक है, सिर्फ अभी भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी कि पीसी कंप्यूटर पे ही अवेलेबल है। तो फिर क्या हम इसे अपने मोबाइल फोन में नहीं खेल सकते? अरे भाई क्यों नहीं खेल सकते, ये वीडियो तो देखो, बता रहा हूँ आगे। अगर सीन कुछ ऐसा है, तुम्हें जाना है प्ले स्टोर पे और सर्च करना है इंटरनेट कैफे सिमुलेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गेम आ चुकी है ऑलमोस्ट 250 MB की है, और अब काफी लोग कहेंगे कि यार ये इस गेम का पार्ट 2 थोड़ी है। तो भाई यार जो पार्ट 2 है यानी कि इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2, उसमें बस यार जो ग्राफिक है उसे यार इंक्रीज किया गया है पीसी के हिसाब से, जो कि यार तुम्हें पता ही है मोबाइल फोन में ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी गेम और इसका कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल भी 0% चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि यार सेम टू सेम डेवलपर्स ने ही बनाया है, और ये जो वर्जन है स्पेशली मोबाइल के लिए उन्होंने ऑफिशियली लाया है इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। तो बाकी मैं तुम्हें इसका गेम प्ले वगैरह दिखा देता हूं, तुम्हें यार इसे कैसे खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार अपनी गेम आ चुकी है इसकी, मैं यार सेंसिटिविटी थोड़ी हाई कर देता हूँ, और यहाँ पे अपना जो घर है इसमें हमें बाहर जाना है, ठीक है, ये आ चुका है दरवाजा। चलो यार बाहर चलते हैं, ये अपना ये है घर। हाँ यार जब तुम अपने होटल से बाहर जाओगे तो यार यहाँ पे तुम्हें दो शॉप दिखेंगी, पहले तो यार यहाँ पे तुम ऐसे खा सकते हो जैसे कि जब तुम भूखे हो गए, ये देखो मैंने खा लिया, ये देखो ब्रेड, ये चलो भाई पेट फुल हो गया। और यहाँ पे हमें एक सेकंड हैंड शॉप भी दी गई है जहाँ से यार तुम पीसी वगैरह उठा सकते हो, ये देखो ये है एसी, शायद एसी ही है, हाँ एसी है, और यहाँ पे सीपीयू साइबर 88। और बाकी यार ये हमारी शॉप आ जाती है माइक कैफे, ये देखो इसे यार तुम्हें बढ़िया बनाना है, साफ सफाई वगैरह करनी है और आर्केड मशीन कंप्यूटर वगैरह लगा के बढ़िया करना है, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। और ये क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे जो तुम्हारा एरिया है लॉक है, तो यार तुम्हें इसे पैसों से अनलॉक करना है बाद में, और फिर तुम आगे भी अपना जो है कैफे बना सकते हो। बाकी आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ऑर्डर कहाँ से करनी है। फिर तुम्हें पता ही अपना कंप्यूटर है यार, यहाँ पे तुम्हें अमेजोन का एक सस्ता ऐसा कह सकते हो जो भी अमेजोन मिलता है, यहाँ से यार तुम्हें जो चीज लेनी है तुम यार वो ले सकते हो और मजे करो यार। तो भाई यार इस तरह से तुम खेल सकते हो इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2, जो कि यार तुम्हें ऑलमोस्ट 250 MB का पड़ जाता है, ठीक है। और ऐसे यार काफी बढ़िया गेम है, तो यार बताना यार तुम्हें कमेंट में कैसा लगा। और बाकी बस यार आज की वीडियो में इतनी है, होप यार तुम सभी को वीडियो बढ़िया लगी होगी। बाकी वीडियो बढ़िया लगी तो क्या करो यार, सब्सक्राइब करो, हाँ ये है सब्सक्राइब का बटन लाल वाला कर देना। और बस अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।